सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। गलती की है हम उनसे। कोई स्टूडेंट्स आपने कहा 1200 स्टूडेंट जो अलीगढ़ छोड़ के जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच बात है। स्टूडेंट ने कहा कि वो यार फीलिंग इनसिक्योर क्योंकि यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस ने भी। सर क्या थी पूरी घटना एमयू के अंदर कश्मीर को लेकर और अब किस तरह का माहौल है? ये मन्नान वानी का जो कश्मीर में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों में मन्नान वाणी और हिजबुल के दूसरे आतंकी की मृत्यु हुई थी उसके संबंध में 11 को कुछ स्टूडेंट्स जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। पुलिस टीम द्वारा इसके संबंध में यूनिवर्सिटी को भी सूचित किया गया और प्रॉक्टोरियल टीम ने उनको जनाजे की नमाज़ पढ़ने से रोकने का प्रयास किया। वहाँ कुछ प्रेस रिपोर्टर थे जो वहाँ पर उसको शूट कर रहे थे, उनके साथ स्टूडेंट्स ने मारपीट की और उनके मोबाइल कैमरे वगैरह छीन लिए। इस संबंध में एक FIR लॉन्च किया गया है रिपोर्टर की तरफ से। सेकेंडरी पुलिस की तरफ से एक FIR लॉन्च किया गया है। 13 सेकंड की वीडियो और उसके साथ साथ कुछ और भी वीडियोज पुलिस को मिली हैं जिसके आधार पर वहाँ मौजूद ICOP द्वारा एक FIR लॉन्च कराई गई है। इसमें 2 स्टूडेंट्स नेम्ड हैं, बाकी अननेम्ड हैं। सारी चीज़ें क्लियरफाई करने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर भेजा गया है। वहाँ जो भी CCTV कैमरे और बाकी चीज़ें हैं उनकी फुटेज के आधार पर उनकी सारी चीज़ें हैं, बाकी कार्रवाई की जाएगी। और इस पे चूँकि सेंसिटिव मामला है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक SIT का गठन किया गया है जिसमें एक डिप्टी SP, एक इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर हैं। ये पूरे मामले की जांच करेंगे और पूरे मामले की जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बाकी जिन स्टूडेंट्स के प्राइमरी लेवल पर नेम आ रहे हैं उनके नाम को और उनका एड्रेस जो है यहाँ के रहने वाले हैं उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को उनके नाम और डिटेल भेजे जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग सत्यापन करा के उनकी रिपोर्ट मंगवाएंगे। अब किस तरह का माहौल है सर? अब यूनिवर्सिटी का माहौल सामान्य है, किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं है। बाकी प्रॉक्टोरियल टीम उसमें लगी हुई है, कई सारे स्टूडेंट्स आज प्रॉक्टर के पास भी गए हैं और 72 आवर में उन्होंने एक पैनल गठित किया है, उसको अपनी रिपोर्ट देने को कहा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी। सर क्या घटना हुई थी उस दिन, किस तरह का माहौल था और आज क्या मांग है आपकी? देखिए आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि जो अभी एनकाउंटर हुआ मन्नान वानी का, तो ये खबर जब यहाँ अलीगढ़ के स्टूडेंटों में भी जब ये खबर पहुँची थ्रू मीडिया तो बहुत सारे लोग कंटीन के आसपास जमा थे क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, तो कुछ कश्मीरी लोग भी जमा हो गए वहाँ पे, तो यही डिस्कस कर रहे थे कश्मीर में क्या सिचुएशन, क्या स्थिति है, ये नमाज़ पढ़ने का या किसी तरह का कोई मतलब इंटेंशन नहीं था। तो अचानक वहाँ पर प्रॉक्टर टीम पहुँची तो प्रॉक्टर बड़े थोड़ा मतलब गुस्से में उन लड़कों को कहा कि कोई नमाज नहीं होगी, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होगी। तो वहाँ कुछ लोकल स्टूडेंट्स भी थे नॉन कश्मीरीज, ये पता नहीं कि वो कई अलीगढ़ के ही स्टूडेंट है या आउटसाइड है, तो उनने कश्मीरियों के साथ बदतमीजी की कि साले कश्मीरी आतंकवादी होते हैं, यहाँ कोई नमाज नहीं होगी। तो कश्मीरियों ने भी कुछ इन रेस्पॉन्स कहा कि हम तो लोग तो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग सिंपली बैठे हुए हैं। तो इसी मामले में प्रॉक्टर ने और कुछ लड़कों के समेत स्टूडेंट्स जो थे कश्मीरियों को दुड़ा दुड़ा के भगाया और खदेड़ा यहाँ से, तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को चोटें भी आई। कहने का ये मकसद है ना कोई नमाज जनाजा होने वाली थी ना कुछ ऐसा होने वाला था, खामखा यूनिवर्सिटी को भी बदनाम कर दिया, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लूपहोल्स थे उनको कंट्रोल करना नहीं आया सिस्टम को, खासकर जो प्रॉक्टोरियल टीम है, कुछ स्टूडेंट्स क्या बाहर की थे यहाँ थे उनने भी थोड़ा ज्यादतियाँ की, तो कहीं ना कहीं कश्मीरीज वर्सेज नॉन कश्मीरीज हो रहा है यहाँ। देश विरोधी नारे भी वहाँ लगे, पुलिस ने FIR उसमें करेंगे। देखिए पहले तो ये मैं बात बताऊँ कि कहीं से ये साबित नहीं हो रहा है कि वो नारे किसने दिए, या ये भी कहीं से साबित नहीं हो रहा है कि वो देशद्रोही नारे थे। हाँ मैंने कुछ सुना वीडियो में आया है कि हम क्या चाहते हैं आज़ादी, अब किस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा ये भी देखना होगा। फिर ये भी बात क्या वो कश्मीरियों ने वहाँ पे नारे दिए थे या किसी और ने दिए थे या फोटोशॉप था, लेकिन जो सुनने में आया कि जब कश्मीरियों के साथ इस तरह की ज्यादती हुई अगर उस कॉन्टेक्स्ट में नारे दिए होंगे तो यही होगा कि वी वांट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू असेंबल, कि ना उनको बात करने दी गई वहाँ पे और ना बैठने दिया गया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लग सकता है कि अगर नारे दिए भी होंगे किसी ने तो दैट इज़ टोटली नलिफाइड, ये कोई नहीं है कि इसे एंटी नेशनल टैग दिया जाए। मुझे लगता है कप्तान ने जो अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो SP ने मतलब सेडिशियस चार्ज लगाया है, मुझे लगता है बड़ी गलती की है हम उनसे। कोई स्टूडेंट्स आपने कहा 1200 स्टूडेंट जो अलीगढ़ छोड़ के जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच बात है। स्टूडेंट ने कहा कि वो यार फीलिंग इनसिक्योर क्योंकि यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस ने भी यही कहा कि कश्मीरियों को बाहर निकालो रूमों से, इनसे बाहर निकालो, इनको चेक करो, और मतलब इससे कहीं ना कहीं थ्रेट महसूस होते हैं। यहाँ से स्टूडेंटों को भी यूज़ किया जाता है अगेंस्ट द कश्मीरीज़,
हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी, तो कहीं ना कहीं कश्मीरियों को टारगेट किया जाता है। बल्कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी यही कहना चाहूँगा कि आपका नारा था कि हम कश्मीरियों का दिल जीतना, कहीं ना कहीं कश्मीरी आप ही के इस जो आप प्राइम मिनिस्टर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनका भी कम से कम वो भी अपना ज़ुबान खोले कि ऐसा क्या हो रहा है कश्मीरियों के साथ। कितने कश्मीरीज हैं टोटल यहाँ पर? मतलब अराउंड 1200 कश्मीरीज हैं। आप किस दिन वापस जाने की बात कर रहे हैं? देखिए हम मुझ पे बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो गया कि हम लोग अगर इस तरह का माहौल रहा मुझे नहीं लगता हम पढ़ पाएंगे। तो मैंने कल प्रॉक्टर से भी यही बात रखी कि मुझे लगता है कि जो 17 को इस बार सरसी डे होगा तो इस दिन कश्मीरियों ने डिसाइड किया है कि वो एनमास यानी पूरा मास डिग्रीज यहाँ सरेंडर करके कश्मीर गोबे का नारा देंगे। आपको लगता है ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस बात का? सिनेसिस इज नॉट ए सोल्यूशन बट यू आर फीलिंग इनसिक्योर, आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। सोल्यूशन तो है नहीं है प्रॉब्लम का, सोल्यूशन ये है कि अगर कप्तान पे भी प्रेशर बनाया जाए कि इस तरह की हरकतें क्यों की कप्तान ने, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लोकल जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उन पे भी प्रेशर बनाया जाए कि बिना मतलब के स्टूडेंट को क्यों इस्तेमाल किया गया, और दूसरा जो पॉलिटिशियंस अपने बयान दे रहे हैं इस तरह उन पे भी प्रेशर बनाया जाए आप कश्मीरियों को एज ए स्कैप गोट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो सीधी सी बात है, उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को बाहर निकालना, कुत्ते की मौत मारना, आतंकवादी, कहीं ना कहीं वो इंस्टिगेट कर रहे हैं ना कहीं इमोशंस कनेक्ट होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि कश्मीर में जो हो रहा है इस वक्त वो सही है, वायलेंस है या जो भी चीज़ें, नहीं किसी का भाई है किसी का दोस्त है, तो इस चीज की फीलिंग्स आती है। मुझे नहीं लगता इस तरह के बयान देने चाहिए इस वक्त की स्थिति में। किस तरह की मांगे प्रॉक्टर से आपने की मिलकर? देखो पहले मांगे मैंने ये प्रॉक्टर से की कहीं ना कहीं आप ही की तरफ से वहां इंस्टिगेट हुआ था कि स्टूडेंट थोड़ा हॉट टॉक हो गया, ठीक है। दूसरी बात वहाँ पे डिफरेंट आज इलेक्शन का माहौल था, डिफरेंट जमा होते थे वहाँ स्टूडेंट्स, हमारे भी कुछ जमा होते, इससे कहीं साबित नहीं होता उन्हें नमाज पढ़ी और कुछ हुआ था। हमारी जो मेन मांग ये है कि एक तो पहले जो यहाँ से शोकाज नोटिस दी गई है सस्पेंशन उसको ख़त्म किया जाए, दूसरा जो इतनी बड़ी गलती डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हुई कि उन्होंने सेडिशियस चार्ज लगाया उसको फौरन ख़त्म किया जाए, और सबसे बड़ी अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो हम लोग विद बैग एंड बैगेज यहाँ से वापसी घर जाने का नारा देंगे। इवन कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स छात्र हैं उन्हें कहा हम लोग आपके साथ हैं, इफ़ यू फील इनसिक्योर वी आल्सो आर इन द सेम लाइन, हम भी फिर इनसिक्योर महसूस करेंगे, तो हम सब लोग दिल्ली से जाके श्रीनगर। दिल्ली में कितनी यूनिवर्सिटी से बात हुई है आपकी कश्मीर से? मेरी जामिया में भी हुई और JNU में भी हुई, कुछ हैदराबाद, उनने खुद ही वहीं से कहा कि वी आर विद यू, जहाँ पे भी इंजस्टिस होगा सो वी आर विद यू। कि ऐसा आप कश्मीरियों के नेता हैं? जी जी कश्मीरियों के ही नहीं, आई एम छात्र नेता हैं मैं सब का नेता हूं। वो वापस आपके साथ जाएंगे, उनके फ्यूचर के बारे में सोचा है आगे क्या होगा? मैंने बिल्कुल सोचा, देखिए फ्यूचर तब सिक्योर होता है। अब यही दो जिन दो बच्चों को सेडिशियस चार्ज लगा वो है नहीं यहाँ, वो घर भागे, अब घर में वो क्या करेंगे किसे पता, अगर कल को कोई एक्शन वो लेते हैं तो जिम्मेदार यहाँ का यही होगा जिन्हें सेडिशियस चार्ज लगाया। अब कश्मीरियों को तो आप मजबूर कर रहे हैं, ये कोई पॉलिसी होती है, इनकी पॉलिसी फेलियर है। मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पे अभी स्थिति हो रही है, जो पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिसाइज किया जाता है कश्मीरियों को, यहाँ मतलब कश्मीरीज आर बीइंग यूज्ड एज एन स्कैप गोट, आप समझते हैं, उनको इस्तेमाल करके अपना वोट बैंक, क्योंकि वो चाहते हैं कि मतलब दूसरे लोगों को खुश करने के लिए कश्मीरियों को बलि का बकरा बनाया जाए। ये एक हांडी है जिसपे सब अपनी सियासत की रोटियाँ गरमा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये गलत बात है। हाँ, माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी को बदनाम किया यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने और बाहर के लोग भी जिम्मेदार है इसके, ना कि कश्मीरी ने मारे। हमने ऑलवेज यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया, मनान वानी का इंडिविजुअल डिसीजन था, उसका घर का मामला क्या हुआ क्या नहीं हुआ दैट इज हिज ओन डिसीजन, यूनिवर्सिटी हैज नथिंग टू डू दैट। अब जो भी इस वक्त सिचुएशन हुई, अगर उन लड़कों में से जिन पर सिटी से चार्ज लगा कुछ भी एक्शन लिया द रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।